वाराणसी के डॉक्टर से पीएम मोदी का संवाद, बोले अब गांव को संक्रमण से बचाने की चुनौती। लखीमपुर खीरी के दौरे पर सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, कल इटावा के दौरे पर रहेंगे। नहीं रहे मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, ऋषिकेश एम्स में ली आखिरी सांस। कोरोना संक्रमण के नए मामले, पिछले तीन दिन की तुलना में गिरावट दर्ज, 24 घंटे में नए मामले। यूपी में एक दिन बाद फिर बढ़े संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 7,735 लोग पॉजिटिव। कोरोना टेस्टिंग को लेकर सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रोजाना कराए जाए टेस्ट। कोरोना महामारी के बीच जानलेवा ब्लैक फंगस का संकट गहरा है, देश में अब तक 7,251 केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का नक्सलियों के साथ खिलाफ बड़ा अभियान। पंजाब के मोगा फाइटर जेट MiG-21 क्रैश, हादसे में विमान आग के शोलों में तब्दील। नारदा सिंह में गिरफ्तार टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से मना किया। चमोली के लामबगड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव वीडियो आया सामने, भारी बारिश से 50 मीटर सड़क बहने से फंस गए थे लोग। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से रामगंगा नदी उफान पर, दो दिन की बारिश में लकड़ी का पुल बहा। रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे पर बिगड़े हालात। बागेश्वर जिले में बारिश बनी आफत, गुनकोट में विशालकाय पेड़ टूटकर घरों पर गिरा। उत्तरकाशी में बारिश ने साल 2017 में हुई बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा, जनजीवन अस्त व्यस्त। अमरोहा में बारिश ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल, पूरा शहर तालाब में तब्दील। पीलीभगत में शारदा नदी के उफान से धनारा घान पेंटून पुल बहा। झांसी में इंडिगो कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। सुल्तानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, हादसे में दो लोगों की मौत, तीन घायल, एक की हालत गंभीर। कानपुर में घाटमपुर में शराब की दुकान के बाहर पुलिसकर्मियों से भिड़े ग्रामीण, मास्क न लगाने की बात पर गाली गलौज। शाहजहांपुर पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ में 25,000 इनामी सरगना सहित चार बदमाश गिरफ्तार। कौशाम्बी जिले में एक गांव में सेना की रेड ईगल 3 डिवीजन की टीम ने लिया गोद। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल, दावा किया जा रहा है कि 150 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियां सहारनपुर से दिख रही हैं। फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 28 से 30 पैसे डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, पेट्रोल में भी 14 से 19 पैसे की बढ़ोतरी। आखिरी हफ्ते में कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला।